सो वेरी गुड मॉर्निंग उटाजो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? गाइज, मैं भास्कर भंडारी, उत्तराखंड गरुड़ बागेश्वर से फिलहाल हूँ अपनी उत्तराखंड यात्रा में। तो पिछले कई सारे वीडियोस से मैंने आपको यार एक लाइफस्टाइल दिखाई थी, प्रॉपर पहाड़ी लाइफस्टाइल। और साथ साथ मैंने आपको ट्रैक करके दिखाया था पकवा टॉप, और भी बहुत सारे माउंटेन्स के मैंने आपको ट्रैक करके दिखाए थे। तो फिलहाल से मैं हूँ इंडिया के लास्ट गाँव झूने गाँव में, कुमाऊँ रीजन उत्तराखंड से। और आज की वीडियो में मैं फिर से आपको एक लाइफस्टाइल दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत होती है यहाँ की खेती बाड़ी में कंपेयर टू शहर की खेती बाड़ी में। सही है, गलत है? बढ़िया बढ़िया है ना। अच्छा, पहाड़ों की एक लाइफस्टाइल में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। पहाड़ों में जनरली जैसे शहरों में खेत होते हैं ना, प्लेन होते हैं, और ये तो लास्ट गांव में, तो जनरली यहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है। तो टेरेस फार्मिंग आपको और जगह भी मिलेगी पहाड़ों में, लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि टेरेस फार्मिंग भी है और साथ साथ जो खेत है ना वो ढलान की तरफ है ऐसे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें एक्चुअली यहाँ पे बैलों को भी, और जो बैलों को जो हल जोत रहा है उसको भी दिक्कतें आती हैं यहाँ पे। देखो पूरा खेत डाउन से अप की तरफ है। तो फिलहाल जो खेती बाड़ी हो रही है वो हो रही है चू की। देखो ये बेसिकली चू है और इसी की खेती बाड़ी यहाँ पे चल रही है अभी। इसका बाद में आटा वगैरह बना के रोटियाँ वगैरह बनाते हैं और इसी के लड्डू भी बनते हैं। फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ सामा से करीब करीब 6 किलोमीटर आगे, और इस साइड क्या है कि मुंशियारी वाली जो रोड है सामा से होते हुए, उसमें गाड़ियाँ थोड़ा सा कम चलती है और टैक्सी गाड़ियाँ भी काफ़ी गिनी चुनी है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, हिचहाइकिंग भी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी जो ऊपर पहाड़ देख रहे हो वहाँ से मैं नीचे पैदल आया हूँ ताकि शॉर्टकट जा सकूँ मुंशियारी की तरफ, और वो जो नीचे आप नदी देख रहे हो वहाँ तक मुझे पहुँचना है। बाकी उस नदी के पार से एक तेजम है, एक गाँव है, और वहाँ से थोड़ा बहुत चांसेस है कि मुझे कोई गाड़ी मिल जाए। यार जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं है। ये बेसिकली एक झरना था, वाटरफॉल था, जो अभी सूख चुका है, तो उसी के सहारे मैं जा रहा हूँ अभी। और रास्ता कुछ ऐसा है, तो ये जो पत्थर देख रहे हो छोटे छोटे से, ये ज़्यादा डेंजरस हैं, तो इसमें फिसलने का फिसल काफ़ी रहे हैं। भाई एक बहुत गंदे रास्ते में फंस गया हूँ मैं, और पता नहीं कौन सा जानवर है यहाँ पे, इसकी आवाज़ आने में लगी बहुत देर से। ये शायद हिरन थे क्या थे, इस तरफ से भागे थे। और तो गाइस यार फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ रामगंगा नदी के ठीक ऊपर झूला पुल पर, और मेरे नीचे रामगंगा नदी बह रही है जो कि नामी ग्लेशियर से होते हुए आती है। और इस तरफ इस झूला पुल की खासियत यह है कि ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ को डिवाइड करता है। तो मेरे लेफ्ट साइड में है बागेश्वर जहाँ से मैं अभी आया था जंगलों के रास्ते, और राइट साइड में है पिथौरागढ़। तो अभी मैं जा रहा हूँ पिथौरागढ़ के लिए, जिसके बाद मैं पहुँचूंगा बिरती फॉल के आसपास, जो कि यहाँ से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है, और जिस रास्ते भी मैं आया वहाँ से अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे भालू वगैरह का खतरा काफ़ी रहता है। हालांकि जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम मुझे किसी ने बताया नहीं, अभी एक आंटी मिली तो उन्होंने बताया कि आप बड़े खतरनाक रास्ते से आ रहे हो। तो गाइस सफर की पहली हिचहाइकिंग ट्रक से उसकी शुरुआत हो चुकी है, और हमारे हयात भैया जी यहाँ पे हैं,
जिनकी ट्रक पे मैं अभी गया हूँ, जो हमें पहाड़ों की प्यारी प्यारी वादियों से लेके जा रहे हैं। तो यार ट्रक में बैठने का यही मज़ा है कि आपको बहुत ऊंचाई से बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ मैं पहुँच चुका हूँ। तो UK 05 यहाँ का बेसिकली नंबर होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का।